आपकी टीथ कहाँ है? गुस्सा करना दिखाओ, पहले गुस्सा करना सिखाओ। आइश कहाँ है आपकी? तो ये क्या लटका हुआ है? आज एक है ना, तीन को बर्थडे मेरे, मतलब परसों। हे गाइस, क्या हाल चाल है? आप सबका स्वागत है एक और व्लॉग में। और आज का व्लॉग मैं चालू कर रहा हूँ सुबह 10 बजे। मतलब उठा था मैं जल्दी से, 8:30 बजे उठा था। मम्मी ने उठा दिया था ना खाना खाने के लिए, तो ये पूड़ी छोले बनाए थे। मम्मी ने कहा था गरम गरम खा ले, फिर नाश्ता करा। मम्मी को स्कूल छोड़ के आऊँ अभी थोड़ी देर पहले, उसके बाद अब छत पे आऊँ धूप में बैठने के लिए। इतनी तेज़ धूप हो रही, मज़ा आ रहा है। और मसाज करनी सिर की, पैरों की, तेल लगाना ना अभी तेरे को, तेल ले के आऊँ। घर का तेल है ये वाला, सरसों का कह रहा हूँ, लाई का जो होता है। कोई ना, मसाज कर लेता हूँ अभी। धूप बड़ी सही हो रही है, आ रही थी ऊपर बैठने में। यार कल रात आइसक्रीम खा ली थी मैंने, मन कर रहा था, अब गले में बलगम थी जमी पड़ी है, बुखार सा होने लग गया। बट कोई ना, मन था तो खा ली। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, मसाज कर लेता हूँ और स्पीकर लेके आऊँ, गाने चलाऊँगा अभी तो मैं, और ऊपर ही सो जाऊँगा 1-2 घंटे आराम से। भाई कपड़े उतार के मसाज तो कर ली थी, मतलब नीचे गया था शॉर्ट्स ले आया था, और ये मम्मी का स्कार्फ था इसे ले आया, ये अभी ओढ़ा हुआ। कपड़े उतार दिए थे ना मैंने, और उसके बाद थोड़े पुशअप मारा, ईंटों से थोड़े बाई सबसे कर लिए। अब चलते नीचे नहाने धोने, 1 घंटा हो गया था लगभग मसाज करते हुए। धूप भी बड़ी तेज़ होने लगी है, नीचे चलते ठंडे पानी से नहाएंगे, उसके बाद वापस धूप में आ जाएंगे ऊपर। लेट्स गो। धूप में आके तो बैठ गया था वो, और वही वाली शर्ट पहन ली थी जो ये मैंने पहले उतार दी थी ना सूखने के लिए, अब वापस यही पहन लिया। अभी नीचे जा रहा हूँ एक सामान लेने के लिए, मतलब टॉवल लेने के लिए। बाल नहीं सूखे, बाल सूख गए लेकिन साफ करना है अच्छे से, झाड़ना है। चलते हैं। भाई अब नीचे जा रहा हूँ, 12:30 बज गए, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, सर पे आ गई थी। चलते हैं नीचे। और भाई मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा आज डेट क्या है? आज एक है ना, 3 को बर्थडे मेरा, मतलब परसों बर्थडे है। परसों ही व्लॉग बनाऊँगा, रात को चालू कर दूँगा। विश वगैरह किसी से कहेंगे दिखाऊँगा, पार्टी वगैरह करनी है नहीं करनी देखते हैं। पापा तो कावा लेने जा रहे हैं, प्याज लहसुन तो मना ही कर देंगे शायद, बट देखते हैं क्या होता है। चलो भाई कहीं गेड़ी मार के आते हैं बाइक पे। गुल्ला बज गया था, गुल्ला वो सब वापसी आ गए ना, सब कावर लेने के लिए हरिद्वार गए हुए हैं। अभी अभिषेक मिला था यहीं मोड़ पे, गदोपुर से आ गया था, कह रहा था कि घर चलने, बट गया ही नहीं मैं, मन ही नहीं हुआ तो उधर जाने का। बोर हो रहा हूँ यहाँ, अब यहाँ पर रुका हूँ रास्ते में। और आज थर्सडे भी है और बाजार है ना, गुल्लागंज में सब्जी भी लेने जाने हैं। 5-6 वो जाते हैं सब्जी लेने, तो हम देखते हैं। अब नींद आ रही है यार, बोरियत हो रही है खेले अब, या घर चल तो पबजी खेलूँगा। भाई घर तो आ गए, नमकीन खाते हैं, कुर्सी ढूंढ रहा हूँ बैठने के लिए, पता नहीं कहाँ पड़ी है। उसके बाद पबजी खेलने बैठते हैं, पबजी खेलता हूँ अकेले, क्या ही करूँगा। भाई अभी थोड़ी देर पबजी खेला, 2:30 बज गए हैं। वो पबजी में इतने कैंपर आते हैं ना, इतने ज़्यादा कैंपर, क्या ही बताऊँ। भूख लग रही, रोटी खाते हैं, पूड़ी और छोले बने थे तो एक पूड़ी खा लेते हैं। देखो आज लड़ेंगे, आज लड़ेंगे। चल बॉस लड़ेंगे।
लड़े आजा लड़ रहे हैं जाने मन ओए ओ बच गया व्हाट अ टाइम भाई देखना मारता भी है भाई चल आजा चले भाई मार रहा है ये लड़का मारता है मेरे को वाह फैन आया आपकी फोटो की खिंचवाने अरे मामे यस मार्टी ये देखो गाइस दाढ़ी मुझे छोटी करके आ ये स्मार्टी बंदा आया हमारे यहाँ का ये मम्मी को लेने जा रहा हूँ 3 बजे छुट्टी होती है मम्मी के 3:10 हो गए हैं लेट हो गया जाने में अभी जाने में 5 मिनट लगे जाएंगे चलते हैं आपकी टीथ कहाँ है आइस कहाँ है आयशा की आयशा आइस कहाँ है अरे आइस तो बता दो आइस बताओ अच्छा गुस्सा तो दिखा दो गुस्सा करना दिखाओ पहले गुस्सा करना सिखाओ या अरे आयुष कहाँ है आपकी अच्छा चले चले घूमने चले भाई बाजार के लिए निकल गया हूँ मैं घर से और पहले अभिषेक के घर जाना है अभिषेक को भी लेना है ना बाजार जाने के लिए वो घर पे अकेला है तो सब भी लेके सीधा जिम जाऊंगा मैं घर नहीं जाऊंगा शैडो देखना कितनी सही लग रही है भाई बाजार पहुंच गया था और इसको भी उठा लिया घर से हेलो गाइस आ गया बकचोद चलते हम नीचे वो ये क्या लटका हुआ है वो क्या दिखा रहा है पागल इंसान भूल जा अभी तो कम भीड़ है 3-4 सब्जियां लेनी है अभी तो कम भीड़ लगती है शाम के टाइम पे भीड़ लगती है यार जिस टाइम मैं आता हूँ भयंकर इतनी भीड़ लगती है पूछ ही मत बालों की हालत देखो खड़िया हो गई पूरी खराब क्या लेना है जल्दी बता भिंडी हरी मिर्च और आलू आलू पड़े हैं प्याज प्याज तो प्याज तो मना कर दिया टमाटर भी पड़े हैं हाँ और भिंडी 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 चल आगे चल पता करना पड़ेगा उधर की जाए किधर को कुछ क्या आएगा रंग नई सब्जी ले ले कुछ भी है अरे ले लिया पड़ी है ना हाँ पापा जा रहे हैं प्याज खाने नहीं है वो तो मुझे भी मालूम है चटपटा तला हुआ है वो नहीं खाएगा भीड़ बढ़ने लग गई धीरे धीरे चल ले लेते हैं थोड़ा मोटा सब्जी हल्के फुल्के हरी सब्जी उठा ले गोभी खेत में है और टमाटर पड़े हैं वो तेरा ये वो नहीं खाते क्या क्या कहते हैं मेथी वगैरह जो होती है सब खेत में इतना बड़ा जो खेत में वो सामान बड़ा सारा खेत में तो लगा तो बाजार करने क्यों आया खेत से खा लेता मेथी वगैरह अमृत का भाई ने सामने वाला अमृत का भाई ने सामने वाला जो मत मार केस कर देगा वो केस कर देगा लोग लेते हैं पत्ता कभी देख के हम नीचे से कंठल देख के लेते गंठल देख के अबे गंठल ही देख के लेना चाहिए वो जरा सूखा सूखा होता है ना उससे पता लग जाता है अच्छा कैश खत्म हो गया ओ भाई साहब माल माल मले अब क्या करें कैश खत्म पूछ ले फिर मम्मी से कैश खत्म क्या करना है घर चलो अब लेनी नहीं है अब घर चल और ज्यादा कुछ नहीं करना जिम भी जाना है जिम तो अभी टाइम तो है अभी तो अभी तो खाएगा नहीं देखो हम तो ले ले
अंडे 85 कर देना है। ऐसे में आती है देखो ये ये मेरा पाँव यहाँ लगता है देखिए। हाँ यार, ओहो तेरी आवाज सुरीली। ये अम्मा जी को क्या हुआ? पिया जी आए तो साले किसी की मजबूरी हो सकती है, क्यों मरना है क्या, डर नहीं लगता? अरे यार रहने देता हूँ आज तो। चलो मेरे लाल अपना फोन हमको दे जाओ, अब घर जाओ। दे पकड़। ओके बाय बाय ब्रदर, मेरे चले जा भाई, जिम चलते हैं। जिम करके तो आ गया भाई, सब मारे था, बड़ा मजा आया यार करने में। अब भूख लग रही, कुछ खा लेता हूँ बड़ी तेज, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी तो गदापुर जाने का वो हो रहा है, जागरण है ना गदापुर में किसी का, मम्मी की फ्रेंड का, वहाँ जाएंगे। अरे लग जाए चार्जिंग। चलो मिलते, फोन ही बंद होने वाला है भाई, गदापुर जा रहे हैं, चलो चलते हैं। बड़े हाँ पाई बाइक लेनी, मेरी गाड़ी की लाइट खराब होगी। जागरण से और इतनी ठंड लग रही, इतनी ठंड आते हुए कल रात आइसक्रीम खाई थी ना, उसकी वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी, गले में दर्द हो रही है, बलगम जम रही है। तो भाई मस्त डिनर करा था वहाँ पे, उसके बाद थोड़ी देर चौकी पे बैठे जागरण पे, मतलब अभी घर पहुँचा, 12 बजने वाले हैं। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।